Hello, dear learners. This is the day 37 of our English speaking course, and today we'll be learning the words of encouragement. Jaise, Vishwas Rakhiye, Rest Assured, Chinta Mat Karo, Stop Worrying, Bacho Ki Tarah Mat Ro, Don't Cry Like Children, Tumhe Chinta Kis Baat Ki Hai, What's Bothering You, Meri Chinta Na Karo, Don't Worry About Me, डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, फिक्र की कोई बात नहीं, देर इज नो नीड टू वरी, मुझे इसकी परवाह नहीं, आई एम नॉट बोदर अबाउट इट, कोई कठिनाई हो तो पूछिए, यू कैन आस्क मी इफ देर इज एनी डिफिकल्टी, जिस चीज की जरूरत पड़े वह ले 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 जाना, टेक व्हाट्स एवर यू नीड, आप बेफिजूल परेशान हो रहे हैं, यू आर अननेसेसरी वरीड, मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, हिचकिचाओ नहीं, डोंट हेजिटेट, कोई हर्ज नहीं है, इट डज नॉट मैटर, सो कंसोलेशन, संतावना देना, कैसे हम लोग किसी दूसरे को संतावना दे सकते हैं, हाउ वी कैन कंसोलेट द पीपल, बड़े अफसोस की बात है, इट्स अ पीटी, इट्स वेरी सैड, उसे संतावना दो, कंसोल हिम, संसार का कुछ ऐसा ही नियम है, दैट्स द वे थिंग्स आर, ईश्वर की यही इच्छा थी, इट वॉज गॉड्स विल, जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा, हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्चून विल पास, ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस टेरिबल ब्लो, हम अपनी संवेदन प्रकट करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेशंस, हम अपनी अपनी संवेदन संवेदना प्रकट करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेशंस, हम उसके पिता के देहांत पर दुखी हैं, वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ आवर फादर, नाराजगी जताने के लिए कुछ वाक्य, हाउ टू शो योर अनोयंस, आप अभी तक काम में क्यों नहीं गए, वाई हैव नॉट यू बेगन टू द वॉक इट, वाई Haven't you started the work? आप मेरी बात को क्यों काटते हैं? Why do you contradict me? आप मेरी और क्यों घूरते हैं? Why do you stare at me? You are angry for nothing. आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं. You are unnecessarily getting annoyed. तुम बेकार में समय खोते हो. You simply waste your time. You just waste your time. किसका दोष है? Who is to blame? क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है? Have I hurt you? कैसी शर्म की बात है? What a shame! मैं यह विश्वास नहीं कर सका कि तुम ईमानदार नहीं हो. I could not believe that you are not an honest person. मैं किसका विश्वास करूं? Whom can I trust? यह मेरा कसूर नहीं है. यह मेरा कसूर नहीं है. It was not my fault. दरअसल ऐसा गलती से हो गया. एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक. उसके नाक में दम कर रखा है. He is a nonsense. उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई. He has let me down. मुझे उससे चिढ़ आती है. He irritates me. उसने मुझे धोखा दिया. He has betrayed me. और he has cheated me. How to show your affection? स्नेह प्रशंसा. तुमने बड़े साहस का काम किया है. दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू. शाबाश, वेल डन, गुड शो, कीप इट अप, कमाल का कमाल कर दिया. दैट्स वंडरफुल. तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है. योर वॉक इज प्रेज वर्दी. तुम कितने अच्छे हो. यू आर सो नाइस. हाउ नाइस यू आर. आपने मेरी बड़ी सहायता की. यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी. So that's all for the day 37 of our English speaking course.